तो आप लोग देख रहे हैं बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल, आप सभी लोग का वापस स्वागत है हमारे चैनल पे। आज लेके आ गया हूँ एक अच्छा खासा वैकेंसी, वो है जो रेपुटेटेड कंपनी है, आप लोग जानते हैं, नाम भी सुने होंगे, अमूल कंपनी। इसका जो प्रोडक्ट है मेनली डेयरी प्रोडक्ट है, तो इसका जो बहुत मार्केट का अच्छा खासा ग्रोथ है, और अगर आपको इसके साथ जुड़ना है, इस कंपनी के साथ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और अप्लाई करिए इस जॉब के लिए। बहुत सारा वैकेंसी आते रहता है, मैं जो जॉब के लिए बताऊंगा, चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। उससे पहले हमारा चैनल में जो नया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक शेयर बनता है और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो अगर मेरा चैनल में बहुत सारा वीडियो हर सेक्टर रिलेटेड आपको मिल जाएगा, अगर देखना है एक एक करके देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाइए। आने के बाद गूगल खोल लीजिए। गूगल खोलने के बाद आपको लिखना है अमूल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ये वाला लिख के एंटर मार दीजिए। मारने के बाद आपको सामने एक ऑप्शन आ जाएगा career.amul.com, www.career.amul.com। इस वाला लिंक को मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा, उसमें जाके भी आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा तरीका का एक पेज ओपन हो जाएगा जो है अबाउट अस गुजरात। इसमें लिखा हुआ है गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो है GCMM लिमिटेड, इज द लार्जेस्ट फूड कंपनी मार्केटिंग मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट अंडर ब्रांड नेम ऑफ द अमूल एंड शुगर। एनुअल टर्नओवर ₹16,38,550 करोड़। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मार्केट का टर्नओवर है। अगर इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी का जो वेबसाइट में जॉब वैकेंसी निकला है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ओवर इसमें देखिए 5 और 6 कॉलम दिया हुआ है। ओवरव्यू है, लाइव एट द रेट अमूल है, करेंट ओपनिंग है, कॉन्टेक्ट अस है, और कॉजन फ्रॉड ऑफ जॉब ऑफर amul.com, 6 चीज दिया हुआ है। आप इसमें भी जाके करेंट ओपनिंग को देख सकते हैं। करेंट ओपनिंग में क्या है, अकाउंट असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट दोनों के लिए है। ये 2 दिन पहले इसमें है आपको ओपन हुआ है जो जॉब वैकेंसी है। मुंबई लोकेशन के लिए, मुंबई एरिया जो है उस लोकेशन के लिए सबके लिए है। और ये वाला जो है असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट कोलकाता के लिए है, ये 5 डेज पहले ओपन हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं जॉब धीरे धीरे खुलना और जो रिक्वायरमेंट आना चालू हो गया है। आपको अगर अप्लाई करना है तो इसको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें शो ऑल करेंगे और भी दिखाई देगा अगर इसमें जॉब आएगा तो, अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये पर डे अपडेट होते रहता है, आपको ध्यान दे के रखना है। मान लीजिए आपको मुंबई लोकेशन के लिए अकाउंट असिस्टेंट के लिए इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें देख सकते हैं कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। मिनिमम 2 ईयर से लेके 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसका सैलरी जो है पर एनम 4,00,007.50 लाख, मतलब 7.5 लाख पर एनम दिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो पढ़ लीजिए। द पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग एंड कमर्शियल फंक्शन, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड एनश्योर मेंटेनेंस ऑफ द बुक अकाउंट इंक्लूडिंग फाइनेंस मैनेजमेंट एंड असिस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, इन्वॉइसिंग एनश्योर। इसमें 9 जो कैटेगरी है वो रोल आप पढ़ लीजिएगा। डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल, आपको मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके लिए भी दिया गया है। द कैंडिडेट शुड बी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन द बीकॉम विथ मिनिमम 4 ईयर वर्क एक्सपीरियंस एमकॉम, मिनिमम 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। द ग्रेजुएट शुड बी रेगुलर एंड फुल टाइम। तो आपको क्या मिनिमम है समझ गए होंगे, जो ग्रेजुएशन किए हैं वो रेगुलर होना चाहिए और फुल टाइम किया है, और बी कॉम किया है और एम कॉम किया है। दिस एज आपका जो बायस होगा 28 ईयर, जो नॉट शुड बी मोर देन 28 ईयर, ठीक है, 28 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट विद अ गुड अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड जॉब एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। आपका जो जॉब का जो प्रेफर्ड किया जाएगा उसका जो आपका इकोनॉमिक क्वालिफिकेशन है उसका रिकॉर्ड देखते हुए। द कैंडिडेट शुड बी ऑल द वेरिएशन एमएस ऑफिस पैकेज, स्पेशली एमएस एक्सेल एंड वर्ड। आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, एक्सेल और वर्ड का। कैंडिडेट हैविंग नॉलेज एक्सेप्ट
सेफ एस्ट विल बी प्रेफर्ड पैकेज द पार्क बेनिफिट रिकमेंड वुड द कमर्शियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की स्किल क्या है बीकॉम और पीजी है एमकॉम। इसके बाद कंपनी प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, ये अमूल कौन सा नाम है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग प्रोडक्शन लिमिटेड। ओके, तो इस अमूल इंडिया लार्जेस्ट है फूड प्रोडक्शन द मार्केटिंग अमूल प्रोडक्ट इसमें दिया हुआ है 39,238 करोड़ का इसका टर्नओवर दिया गया है कंपनी। अगर इससे ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो www.amul.com में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई वाला सेक्शन में क्लिक कर देना है। इस वाला ऑप्शन में दोनों तरीके का आपको अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा, एक naukri.com से मिलेगा, एक डायरेक्ट भी मिल सकता है। इसमें मान लीजिए यूजर नेम आपके पास नहीं है तो आपको यूजर आईडी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर अप्लाई नहीं है तो ईमेल आईडी दीजिए, एक्टिव ईमेल आईडी करिए और पासवर्ड दीजिए, खुल जाएगा अप्लाई विथ naukri.com। इसमें हम लोग चला जाएंगे डायरेक्ट नौकरी वाला जो .com वेबसाइट है जॉब सीकर का, उसमें चला जाएंगे। इसमें आप सर्च भी मार सकते हैं, मैं ओपन ना करते हुए दिखा रहा हूँ आपको। इसमें आपको लिखना है अमूल, उसमें डायरेक्ट भी चला जाएगा अगर आपके पास है तो। इसमें सर्च मारेंगे अमूल का कंपनी, इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए अमूल अकाउंट असिस्टेंट इसमें जो दिखाया था आप लोग इसमें देख सकते हैं। आप लोग को इसमें क्लिक कर लेना है और अकाउंट का जो प्रोसेस है मैं naukri.com में कैसे अकाउंट बनाया जाता है लॉगिन प्रोसेस में बता देगा अगर मालूम नहीं है तो। बहुत सिंपल तरीका है, रजिस्टर फ्री है, रजिस्टर कर आई एम ए फ्रेशर, अगर फ्रेशर है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आई एम ए प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल के लिए 1 month मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मोर देन 1 lakh रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप इसमें आई एम प्रोफेशनल में क्लिक कर लीजिए। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो नेम, ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड, मोबाइल नंबर, टोटल वर्क एक्सपीरियंस अपलोड रिज्यूम कर दीजिए, रजिस्टर नाउ, ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा उसका यूजर आईडी और पासवर्ड जो हम लोग देखे थे उसमें क्या था, इसमें आ गया है। देखिए पूरा डिटो आ गया है, लॉग इन विथ अप्लाई कर लीजिए तो ऑटोमेटिक आपको अप्लाई हो जाएगा और कंपनी द्वारा मैसेज आ जाएगा। और एक चीज़ है, आपको एक भी पैसा देना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसमें देखिए, इसमें हम लोग जॉब कॉजन देखते हैं, फॉर्ड ऑफ जॉब ऑफर अभी बहुत रिसेंटली सम पीपल हैज बीन रिसीविंग फ्रॉडमेंट ईमेल, फ़ोन कॉल, अदर कम्युनिकेशन ओवर द जॉब अपॉर्चुनिटी GCMMF, मतलब जो अमूल का फुल नेम है, काइंडली नोट दे नॉट एवर अमूल टू पे फीस, मतलब आप लोग देख लिए होंगे कंपनी का तरफ से कोई भी आपको फी पे नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। द चेक पॉइंट वेरीफाई ऑथेंटिटी, तो आपको ये सब पॉइंट जो है 9 पॉइंट है इसमें, ये चेक कर लेना है, इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। उससे भी अगर अप्लाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए, मैं ज़रूर कोशिश करेंगे इसका अप्लाई आपको करा देने के लिए। ठीक है, रिप्लाई करेंगे ज़रूर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।